वेलकम बैक टू मेरे भैया का चैनल। मेरा नाम खुशबू है और मेरा नाम है पायल। और गाइस, आज के वीडियो के लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच फॉर नवरात्रि। हाँ, नवरात्रि है ना, हम सबका फेवरेट फेस्टिवल है, सो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं नवरात्रि आउटफिट बनवाने के लिए। बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। ऐसा मत बोल, मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन तुम लोग क्या बनवाने वाला ना उसके लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं मेरे लिए एक्साइटेड हूँ, मैं कुर्ता बनवाने वाला हूँ, पैजामा बनवाने वाला हूँ और हम लोग भी चनिया चोली बनवाने वाले हैं। मुझे तो लगा कि आप कुछ और बनवाने वाले हो। नहीं, मैंने 8 के 8 दिन का है ना दे दिया, सिर्फ एक आउटफिट मेरी बाकी है जिसके लिए मैंने सोचा था मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा। क्या आपने 8 के 8 आउटफिट बनवा लिए? इसको पता है, फिर भी देख कैसा रिएक्शन दे रही है। रिएक्शन देना चाहिए तभी तो गाइस को इंटरेस्ट आएगा। और आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बस जल्दी से जल्दी चलो क्योंकि मुझसे अब ये एक्साइटमेंट सहन नहीं हो रही है। पहले खुशबू ना हम लोग डिजाइन दिखा देते हैं गाइस को, मतलब हम किससे इंस्पायर्ड होकर बनवा रहे हैं। देखो गाइस, मैं पहले बता देती हूँ, जो हम लोग दिखा रहे हैं ऐसा नहीं होगा कि हम लोग 100% वही बनवाए क्योंकि वहां पे जाके हम अपना आइडिया चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे जाते हैं फैब्रिक्स देखते हैं तो हमारा दिमाग जो है मतलब कुछ और ही सोचने लगता है, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिमिटेड सोचते हैं पर वहाँ पे जाके जो दिखते हैं ना उस हिसाब से हमारा माइंड कहता है कि यही सिलवा बहन, तू यही सिलवा। दैट्स व्हाई। सो गाइस, आज इनको है ना बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं जो अपने कुर्ते का सिलेक्शन करूंगा ना फैब्रिक, वो ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे तो हम भी ऐसे ऐसे करेंगे, वो तो मुझे पता है। मेरे पास है ना नॉर्मल चनिया चोली ना बहुत सारी पड़ी हुई है, देखिए इस बार मैंने सोचा ना कि मैं कुछ हटके पहनूंगी, इसलिए है ना मैंने डिसाइड किया है ये वाली चनिया चोली। सो गाइस, इसके अंदर है ना ब्लाउज है और ये ऊपर है ना इतना बड़ा कुर्ती है, मतलब ऐसा डिजाइन तो मैंने पहली बार देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही बनवाऊंगी। और नीचे जो घाघरा होगा ना वो ये वाला होगा 2 कलर में और नीचे इतना मस्त सा काम करेंगे हम लोग। तो गाइस है ना, तू करेगी हाथ से? अगर कपड़ा मिल गया तो ठीक है, वरना सिंपल ही रहने देंगे क्योंकि बता ऐसा काम ये करेगी कभी भी नहीं कर सकती, सपने में भी नहीं हो पाएगा तेरे से, ठीक है? झूठ मत बोल। मतलब गाइस देखो, अब ऐसा बनने वाला है, अब जो भी बनेगा हमें पहनू। सो मैं है ना ये मल्टी कलर का लहंगा बनवाने वाली हूँ। इतने सारे कलर? हाँ इतने सारे कलर, क्योंकि मुझे है ना यूनिक लगना। ओहो, कलरफुल नवरात्रि में कलरफुल घाघरा। हाँ, और ये है मेरे ब्लाउज का बैक डिजाइन। ओके। और मेरा ब्लाउज है ना फुल स्लीव्स का होने वाला है, जो बहुत ही परफेक्ट लगेगा मेरे ऊपर, मुझे पता है। हो गया। मेरे ब्लाउज का फ्रंट साइड होगा ना, उसमें है ना मैं मिरर वर्क से है ना डिजाइन बनाऊंगी और मैं उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ तो हाथों से ही बनाएगी, मुंह से थोड़ी ना बनाएगी। अरे मेरे हाथों से बनवाऊंगी, मैं किसी और के हाथों। अच्छा, खुशबू अपने हाथों से बनाएगी तो फिर तो यूनिक होगा ही है ना। हाँ। मेरे आउटफिट में कोई भी है ना मतलब ज्यादा काम करने वाला है ही नहीं, सिंपल ही है ना ये आउटफिट जो है वो बन जाएगी। ये ऐसे ही भैया बोलते हैं, पर इसका आउटफिट है ना हमसे भी है ना बहुत ही डिफरेंट विचित्र होता है। नहीं, मैं बनवाने वाला हूँ ये है ना, सिंपल है ना, अच्छा लग रहा है। देख ऐसे ऊपर है ना कोटी जैसा होगा जो है ना कुर्ते के साथ अटैच्ड होगा, ऐसा मतलब कलरफुल प्रिंट ले लूंगा मैं ये ऊपर, और ये प्लेन कोई भी कलर का ले लूंगा मैं कुर्ते के लिए, और ऐसे नीचे 2 बॉर्डर डलवा दूंगा, मतलब सेम टू सेम ऐसा ही बनवा लूंगा मैं। 2 दिन पहले ही गाइस है ना हम एक्टिवा से जा रहे थे और है ना एक पत्थर हमारे एक्टिवा के पास आया, भड़ाम करके एक्टिवा से गिर गए थे, जिसकी वजह से मेरे घुटनों में और खुशबू के घुटनों में ना ऐसे चोट लग गई है। देखो गाइस, चोट लग गई है। मम्मी देखो नाटक कर रही है, मम्मी देखो नाटक कर रही है, इसको चलना फिरना सब आ रहा है फिर भी नाटक कर रही है, देखो स्कूल ना जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना सुबह स्कूल जाने के लिए उठी थी पर है ना मेरा लहंगी ऊपर नहीं जा रहा था। कलर एक ये ब्लू वाला रख दिया, एक येलो, ये ग्रीन में से दोनों ग्रीन रखे कि एक कोई रखे, दोनों रख ले, दोनों रख लेते हैं। बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है, लहरिया चलेगा कुछ भी मतलब कोई और डिजाइन कुछ भी मतलब। दीदी मैं बहुत ही कंफ्यूज हुई, दोनों में से कौन से कलर का ब्लाउज बनवाऊं? मेरे हिसाब से तो ये ब्लू वाला ज्यादा अच्छा लगेगा ना सारे कलर्स के साथ, क्योंकि ये मैच भी हो रहा है।
कौन सा? ये ब्लू ना. हाँ और ये व्हाइट कलर का. हाँ वो और उसके नीचे वाला दोनों येलो वाला भी देना. वो वाला ये वाला और ये वाला ये अच्छा लगेगा. वैसे तो लाइट ही कलर का बनवाएंगे. येलो बनवा ले पाए. वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास. ग्रीन की जगह येलो ले ले. पर है ना सिंपल ही रखेंगे क्योंकि ये ना इधर है ना ऐसा वाला कुर्ती होने वाला है इसलिए. ये तो रेडी है. कोटी के लिए ना जो ये दिख रही है ना कोटी, इसके लिए मैं ये फैब्रिक ले लेता हूँ. ठीक है. और ये अंदर प्लेन व्हाइट ले लेता हूँ. ठीक है. व्हाइट ही व्हाइट. व्हाइट पैजामा व्हाइट कुर्ता. सिर्फ ये कोटी जो है ना ये फैब्रिक का बनवा लेता हूँ. और ये जो नीचे दो पट्टी है ना वो भी इसी फैब्रिक. नहीं वो लेस ले लेंगे. वो लेस लगाएंगे. ठीक है. हाँ कलरफुल लेस अच्छा लगेगा है ना. मुझे शादी में नहीं जाना है. अरे शादी वाला नहीं है. मैं तो कंटाल गया यार तुम लोग का. ये कितना टाइम लगेगा. अच्छा है ना. तू नवरात्रि में भी पहन सकती है शादी में भी पहन सकती है. ऐसा बनवा ले. ये हल्दी में जाके पहन लेगा. नहीं हो मैं शादी में जाने वाला नहीं पहनूंगी. मैं अच्छा सा सिलवाऊंगी जो नवरात्रि के लिए ही हो. चुपचाप रहे. ये इतना अच्छा कपड़ा मिला है वो रख ले. नहीं तो है ना कुछ नहीं मिल पाएगा तुझे. वैसे अच्छा लग रहा है. ये येलो ले ले. हाँ. और इसके ऊपर ये मेहंदी कलर का ऊपर डलवा ले. ठीक है. मैचिंग मैचिंग मत करो. क्या मैचिंग मैचिंग. मैचिंग मैचिंग ही होता है. येलो ये नीचे आ जाएगा. ठीक है. हाँ. और ये ऊपर आ जाएगा. हाँ. ये कलर या फिर ये पिंक कलर ले. नहीं नहीं मैं यही लूंगी. मुझे ये पिंक नहीं चाहिए. फैब्रिक की शॉपिंग ना कर आ चुके हैं. और मैंने तो 2 सेकंड के अंदर ना अपना फैब्रिक जो है वो सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि मुझे ना व्हाइट कलर का ही बनवाना था. और मैंने जैसे ही अंदर गया और मुझे ना व्हाइट कलर का दिख गया था जैसा मुझे चाहिए था तो मैंने फटाफट से शॉपिंग कर लिया है. और फटाफट से मैं आपको दिखा भी देता हूँ. कुर्ता बनवाने के लिए मैंने ले लिया है. और इसके ऊपर की कोटी मैं बनाऊंगा ये वाला. ये व्हाइट कलर का मतलब ये वाली फैब्रिक है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी. अब इसमें क्या बोलते हैं फीजिंग. हाँ. हो जाएगी तो ये ना कड़क हो जाएगा तो ऐसे चिपका रहेगा है ना. हाँ. और 1 मीटर में तो हो जाएगा है ना पायल. हाँ आपकी बॉडी तो देखो. गाइस ये देखने में कपड़ा सस्ता लग रहा होगा आपको लेकिन ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं है क्योंकि इसकी प्राइस है. रुको रुको मैं बताता हूँ. क्योंकि इसकी प्राइस है व्हाइट मल्टी कपड़ा. हाँ. 1 मीटर 850 का है ये. और ये व्हाइट बुट्टी कपड़ा. इसे बुट्टी कपड़ा बोलते पायल. हाँ. ये जो है वो 2.5 मीटर है और 400 रूपए का 1 मीटर है तो हमको पड़ा 1000 रूपए में. मैंने है ना इतने सारे कपड़े पसंद किए हैं और ये सारे कपड़ों से है ना मेरा लहंगा ब्लाउज और दुपट्टा बनने वाला है. ये कपड़ा लिया है ब्लू कलर का मैंने ब्लाउज के लिए. ये हमें पड़ा है 175 रूपीज मीटर. सो हमने खरीदा है ये 1 मीटर. और इसका कपड़ा है ना बहुत ही सॉफ्ट है जो मुझे है ना ब्लाउज के लिए सॉफ्ट कपड़े ही अच्छे लगते हैं. और उसके बाद मैंने लिया है ये पिंक लहरिया कपड़ा. इसका है ना मैं दुपट्टा बनाने वाली हूँ. सो ये है 150 रूपीज मीटर. तो हमने ये 2.5 मीटर लिया है तो 150 आप कैलकुलेट कर लेना. मुझे कैलकुलेशन नहीं आता. अरे बिल में देख ले पायल. बिल लेके बैठी है उसको खुद को पता नहीं है. लहरिया कपड़ा 375. हाँ 375 रूपीज का पड़ा है ये 2.5 मीटर कपड़ा. ये ब्लैक कलर कपड़ा, पर्पल कलर, पिंक कलर, येलो कलर, गाजरी कलर, ये पिंक कलर, ये रेड कलर है भैया. देखो ये है ब्लू कलर, है लाइट पिंक कलर, है मेहंदी कलर, है ग्रीन कलर. 1 मीटर लिया है सारे कपड़े जो हमें है ना 1 मीटर का पड़ा है 300 रूपए. सो 3 × 12 कितना होता है 36,000. 3600. सॉरी 3600. 36,000 तो सारे कपड़े मिला के भी नहीं हुए. ये जो कुर्ता आप लोगों को दिख रहा है ना उसके लिए मैंने लिया हुआ है ये वाला कपड़ा. सो ये वाला कपड़ा है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिजाइन किया हुआ है. जनरली मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ लेकिन मैंने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं इसलिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है. इसकी प्राइस है 1150 रूपए मीटर. मैंने ना 1.5 मीटर लिया है तो फाइनल प्राइस हुआ इसका 1725 रूपए. ये जो नीचे ग्रीन कलर का पट्टी देख रहे हो ना इसके लिए मैंने है ना ये वाला सुंदर सा कपड़ा लिया हुआ है. मतलब ये भी है ना इतना सुंदर कपड़ा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं. मेरे ये मेरे सारे कंफर्टेबल जोन से बाहर है.
लेकिन मैंने ट्राई करने के लिए ये सारे कपड़े लिए हैं। तेरा ही बजट बार गया, तेरा ही बजट बार गया। तो रहेगा ये नीचे वाला जो पट्टी दिखा है ना उसके लिए। अच्छा। और उसके ऊपर का इतना वाला पार्ट है ना उसके लिए ये अलग कपड़ा है। अरे बाप रे, तेरी ड्रेस है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, जब बन जाएगी ना तब मुझे समझ आएगी। देखो कुछ चीजें होती है ना वो देखने से समझ आती है, तो आप मेरा कपड़ा जब सिल जाएगा ना तब आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। इसका प्राइस है 300 रुपए मीटर। कितने मीटर लिया है? 5.5 मीटर। ओके दीदी नहीं जा रही? नहीं दीदी नहीं जा रही क्योंकि है ना उसको ट्यूशन जाना है इसलिए। और गाइस बहुत ही अच्छे कपड़े स्टिच हुए हैं और हमने तो हमारे कपड़े देख लिए हैं। तूने देखे? नहीं। तो तू करती क्या है बहन? मैं ऊपर बैठी थी। बैठी थी, मुझे पता है तू क्या कर रही थी। मैं नहीं बोलूंगा तू क्या कर रही थी, पर तू जो कर रही थी वो करके देख लेना चाहिए था ना। हाँ, या फिर पहले देख लेती फिर करती। हाँ, ये पढ़ रही थी गाइस। इतना खो जाती है कोई काम ही नहीं दिखता। ऐसा बात नहीं है, मैं नीचे नहीं आई थी इसलिए मुझे नहीं पता है। हमारे कपड़े है ना हमें तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बस आपको दिखाने की देरी है। हाँ बस अब हमें ना इसको इसके कपड़े दिखा देते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं, ठीक है? हाँ। ए बे, तेरे को तो अपने कपड़े में मतलब कुछ लगाना भी है ना। हाँ मतलब स्टिच हो गया है ना तो भी अच्छा दिख रहा है, और मैं वो सब लगा दूंगी जो मुझे लगाना है, उसके बाद तो क्या झक्कास लगेगा। बहुत ही महंगे कपड़े बने हैं, लास्ट में आपको मैं टोटल बताऊंगा कितने का बना है हम तीनों का आउटफिट, है ना। मतलब मैंने जब दिया था तब तो मेरे को डिजाइन अच्छा लग रहा था, अब बनने के बाद कैसा लगेगा मुझे। बस मैं विश कर रही हूँ कि मेरा कपड़ा है ना मुझे पसंद आ जाए, बाकी किसी और को पसंद आए चाहे ना आए मुझे आना चाहिए। मेरे साथ साथ मैं है ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरे कपड़े कैसे स्टिच होके आए हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है और आपने भी नहीं देखा है। तो सबसे पहले मेरे पास है ये कपड़ा, कपड़ा ही बोलते हैं ना इसको। अब मैं क्या जानू, तुमने स्टिच करवाया है ना। क्योंकि मैंने जिससे स्टिच करवाया है ना उन्होंने यही बोला था कि इसको कपड़ा बोलते हैं। तो गाइस इसको कैसे पहन सकते हैं पता है? सबसे पहले है ना इसके नीचे ये वाला कोई भी मतलब कोई सा भी ब्लाउज आप पहन सकते हो। तो मैंने ये वाला ब्लाउज स्टिच करवाया है ब्लैक कलर में, क्योंकि अंदर कौन ही देख रहा है। और उसके ऊपर से ना ये ब्यूटीफुल सा कपड़ा पहन लेंगे। और इसको है ना मैंने नवरात्रि वाइब देने के लिए इसके नीचे ये वाली कौरी सेल वाली लैस लगाई है। मैं इस टाइप के गर्ल हूँ ना कि मुझे है ना घाघरे में घेर पूरा चाहिए होता है। तो मैंने है ना अंकल को बोला था कि बहुत ही ज्यादा घेर वाला घाघरा बनाना, तो उन्होंने घेर वाला घाघरा बनाया है या नहीं बनाया वो तो मुझे भी अभी पता नहीं है। तो आपके साथ ही मैं इसको भी खोल के देखती हूँ कि घेर वाला घाघरा है या नहीं। ओ नाइस। ए बे, ये छोटा नहीं लग रहा है, छोटे बच्चे का लग रहा है। बे छोटा नहीं है, देख इन्होंने छोटा क्यों बनाया मुझे पता चल गया। क्यों? क्योंकि है ना देखिए ये नीचे से भारी है, तो जब भारी चीज होती है ना और वो नीचे की तरफ रहेगी ना तो घूमेगा नहीं अच्छे से, पर ये जो ऊंचा है ना इसीलिए इतना अच्छे से इतना गोल घूम रहा है। ये रहा मेरा ब्लाउज। सो ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। सो बैक में है ना मैंने ऐसे गोल डिजाइन करवाया है, देखिए ऐसा गोल है पीछे से। सो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। और ये फुल स्लीव्स है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और मैं अब आपको बताऊंगी मेरा सबसे फेवरेट घाघरा। आप इतना हंस रहे हो, मुझे हंसी आ रही, तू कैसे बता रही है घाघरा। मेरा पीछे हटना ठीक है, मैं उठूंगी तो। हाँ। सो ये रहा मेरा घाघरा। आपको जो कलर चाहिए ना गाइस मेरे घाघरे में मिलेगा। इधर पकड़ उसको। मैं इधर पकड़ूंगी। ये मोर जैसी लग रही है तू। मोरनी मोरनी। अच्छा लग रहा है ना पायल? तो ये फटाफट से आपको है ना बता देता हूँ सारी की सारी चीजें। सो ये रहा मेरा पैजामा, बहुत ही यूनिक है गाइस। ऐसी डिजाइन तो आपने देखी नहीं होगी पैजामा की, बहुत ही यूनिक है, ऐसा तो किसी ने आज तक स्टिच ही नहीं करवाया गाइस, बहुत ही यूनिक है। पहले मैंने सोचा था कि मैं प्लेन कुर्ता बनवाऊंगा, फिर मेरी मम्मी ने बोला कि प्लेन मत बनवा, ऐसा बुट्टी वाला बुट्टी कपड़ा वाला बनवा। मैं कैसे कैसे शब्द बोल रहा हूँ, तुम लोग के शब्द बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे बॉर्डर लगाई हुई है, ऐसे ही बताते ना खुशबू। हाँ ऐसे ऐसे
बॉर्डर लगाई हुई गाइस। सो ये कुर्ता और ये रहा मेरा कोटी, जब मैं पहनूंगा ना तब आपको समझ आएगा, अभी तो कुछ आने वाला नहीं है मुझे पता है। अभी इसको पता नहीं ये क्या डेकोरेट करेगी ऐसा बोल रही थी, अब इसमें क्या लगाएगी तू? इसमें ना मैं कावरी सेट्स वो सब लगा के, स्टोन वो सब लगा के एकदम नवरात्रि वाला बना दूंगी। ए, नहीं नहीं मेरे में कुछ मत करना, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं मैं तो करूंगी ना। कुछ इस तरह से है ना डेकोरेट करने वाली हूँ। सो मुझे तो ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, एक बार मैं भैया से भी पूछ लेती भैया कैसा लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी करो जल्दी करो। खुशबू हाँ, तू एक एक करके ऐसे चिपकाएगी? हाँ तो बे तो इसमें कितना सारा टाइम लगेगा? अरे नहीं लगेगा, ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। गाइस देखो अभी कितने बज रहे हैं, देखना 3 तो बज ही जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। आज मुझे पता चला गाइस इतने महंगे महंगे कपड़े क्यों मिलते हैं डिजाइनर्स के, क्योंकि कितना मेहनत लगता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। आज खुशबू ने मुझे यकीन दिलवा दिया। अरे खुशबू हाँ? मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद तू डिजाइनर बन जाएगी। नहीं मुझे डिजाइनर नहीं बनना है। तो क्या बनना है? मैं अभी नहीं बताऊंगी। मैं बता दूं गाइस इसको क्या बनना है। नहीं, बता दूं, बता नहीं, बता दूं, बता नहीं, दूं। इसको बनना है हीरोइन। म्यूजिक वीडियो करना है ना इसको। खुशबू ने ना मेरे को भी है ना काम पे लगा दिया है, खुद तो कर ही रही है साथ साथ में मेरे को भी बोल रही है कि वो जो लेकर आई है ना ऐसा ऐसा स्टोन्स लेकर आई है ना उसपे ना गम लगा कर दे, तो मैं गम लगा कर दे रहा हूँ और वो है ना चिपका रही है। इस बार है ना ज्यादा नवरात्रि में है ना हम लोग गरबा खेलने के लिए नहीं गए हैं, क्योंकि मेरे चेस्ट में पेन रहता है जिसकी वजह से है ना मैं गरबा खेल ही नहीं पाता हूँ। गरबा खेलने की क्या बात है, मैं तो खड़ा ही नहीं रह पा रहा हूँ जिसकी वजह से है ना मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है सब चीजें करने में, लेकिन कोई बात नहीं दवाई चल रही है बहुत ही जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने है ना मेरा दुपट्टा खो दिया है, पता नहीं कहाँ रख दिया है कि आज है ना हमें मिल ही नहीं रहा है। मम्मी है ना सामान रख देती है और भूल जाती है, तब है ना मम्मी को अच्छा लगता है। हम कोई भी सामान रख दे और भूल जाए तो मम्मी हमको इतना डांटती है ना कि क्या ही बताए। हमारे पास एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, तो हम लोग है ना ये ग्रीन वाला चूज करेंगे क्योंकि हमारे लहंगे के साथ ग्रीन वाला अच्छे से मैच होगा। कोई भी पहनो जल्दी पहनो भाई, मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को ट्यूशन भी जाना है। अभी तो इसके ऊपर हम पट्टी चढ़ाएंगे। इस वाले दुपट्टा के ऊपर है ना हम लोग लगाएंगे ये कावरी सेल्स वाला लेस। अरे इसकी आवाज कितनी अच्छी आ रही है ना। हाँ कितनी अच्छी है देखो। लेकिन गाइस इस लड़की की आवाज अच्छी नहीं है, मेरी इससे ज्यादा अच्छी है। पर एक प्रॉब्लम है ये निकल रहा है। अरे एक दिन के लिए ही पहनना है ना तुझे, एक दिन पहन लेना, जितना निकालना है निकाल देना फिर रख देना। इतना मेहनत करे और सिर्फ एक ही दिन पहने? हाँ तो मैं क्या करूँ अब बता। ऐसा नहीं होगा, इसको हम अच्छे से टग कर देना। मम्मी है तो हमारे आधे से ज्यादा काम ना घर पे ही हो जाता है ना मम्मी। थैंक यू सो मच, आप ये लोगों को इतना सपोर्ट करती हो। खुशबू को बोलती हो कि सीख जाओ। अरे पता नहीं वो कब सीखेंगे, ये सब सीख जाएंगे तो वो खुद ही बना लेंगे है ना। ये सब सीखना चाहिए है ना मम्मी लड़कियों को। हाँ। आप कुछ कहो। सो गई है, आके इधर सीखो 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 आके इधर। हाँ? नहीं सीखना। क्यों नहीं सीखना है? ऐसे ही नहीं सीखना है। सीखोगी तभी तो सिलाई उलाई करोगी। नहीं सीखना। देखो मम्मी आजकल स्टिचिंग में कितने पैसे इनके जा रहे है ना, जब मैं देता हूँ तो मुझे पता चल रहा है आजकल। मम्मी को बोलता हूँ कितने टाइम से कि मशीन चेंज कर दो, लेकिन मम्मी चेंज करने का नाम ही नहीं ले रही। मम्मी अभी नहीं कराएंगे चेंज। अरे करा दो मम्मी, आपको ही तकलीफ होती है, बार बार ये धागा टूट जा रहा है। नहीं नहीं अभी नहीं करा, अभी नया मशीन है। क्या नया मशीन है, 20 साल पुराना है। उससे क्या तय, क्यों नहीं चेंज करती बता दो मम्मी, बता दो आज। ये मेरा पापा का दिया हुआ है। यही चीज जो है वो एक बज गई है ना मम्मी। हाँ मम्मी के दिल के बहुत ही करीब है ये चीज, इसलिए मम्मी है ना घर से बाहर नहीं निकालती। तो मम्मी कब तक रखोगी ये?
ऐसे ही रख, नया आ जाएगा तभी ये रहेगा मेरे पास। अच्छा ये बोलते बोलते मम्मी इतना शर्मा रही, इतना शर्मा रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। खाने में क्या बनाई हुई ये बताओ पहले। दाल चावल बनाई। नहीं दाल चावल नहीं खाना, कुछ और बताओ ना। पिज्जा मंगा लो। पिज्जा मंगा लो पक्का? हाँ। पर आप पैसे दोगे बताओ? तो मैं ही देती हूँ ना। अरे मतलब हर बार थोड़ी ना देती हो, ऐसे मत बोलो मम्मी। कभी कभी तुम लोग मंगा के खा लेते हो। वही तो, इस बार आप दोगी ना? ठीक है पक्का मंगा लू ना। हाँ मंगा लू, मैं दो मंगा लेता हूँ। ये तो लगा था गाइस ये सब चीजें करने में ना एक घंटे में हो जाएगा, मतलब ये लेस ये सब चढ़ा रहे ये लोग, लेकिन ये करते करते सुबह से शाम हो गया, पता नहीं अभी कब तक ये लोग करेंगे। अभी तो खुशबू बोल रही है कि कुछ वो अभी चिपकाएगी भी दुपट्टे में, पता नहीं क्या क्या करना चाहती है ये लड़की। मेरे को तो भूख लग गई, इसलिए मम्मी को बोला मैं पिज्जा मंगा देता हूँ और मैं खा लूंगा और थोड़ा सा सो जाऊंगा और फिर उठूंगा तो सब कुछ रेडी होगा। लड़की हमको है ना वहाँ पे काम पे लगा कर बोल रही है कि दुपट्टे में ये स्टोन लगा दो और यहाँ पे बैठकर पिज्जा खा रही है। वाह। हाँ तो मेरा पिज्जा ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई को एक बार पूछ लूँ कि भाई थोड़ा सा खा ले खा ले। भाई का रखा हुआ है। मैं बाद में खा लूंगा गाइस, मैं फटाफट इनकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि है ना मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे, है ना। हम भी मेहनत कर रहे हैं। देखो ऐसा क्यों लग रहा है ये जो कोटी है ऊपर का एकदम फिट बना दिया है। आपको जो लग रहा है ना वो सही लग रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है ये बता? हाँ देखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा तो ढीला होना चाहिए, ये देख फिट है नहीं, जिसकी वजह से कुर्ता अंदर का ना ऐसे पास पास में आ जा रहा है। हाँ। पहन के चढ़ने में फा रहा है खुशबू? हाँ फा रहा है। आदत है, आदत है। आदत हो गई अब? हाँ, अब आदत हो गई है, डोंट वरी। इतना लुक रिक्रिएशन इन लोगों ने बनाया है ना गाइस कि टेरेस पे ना चढ़ने की आदत हो गई है, इतना हैवी हैवी चीज पहन कर। रुक जा भाई। चल चल ये फाइनली आ गए हम। अभी पायल रेडी हो ही रही है खुशबू, मैं तो फटाफट से आ ही जाऊंगा ऐसे जंप करके। मैं कैसे आऊं? अरे आ ना बहन जल्दी आ। आ गई। आ जा फिर अच्छे से तेरा आउटफिट रिवील करता हूँ, ठीक है? हाँ, अभी नहीं कर रहे ना? अरे मैं मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा गाइस को। थोड़ा दिख रहा है, पूरा तो नहीं दिख रहा ना। अब अच्छे से दिखाता हूँ। या बहन जल्दी आ, पायल आ जा अच्छी दिख रही है। अरे आ ना गाइस, बहुत ही गुस्सा है पायल मेरे से। खुशबू अच्छी दिख रही है ना पायल? हाँ मैंने कहा बोला कि नहीं दिख रही, मैं तो कब से बोल रही हूँ उसको कि बहुत अच्छी दिख रही है तू। मैं क्यों अपना दूँ, मैंने अपने हिसाब से स्टाइल करवाया, तुमने अपने हिसाब से करवाया है। अरे ऐसे तू बोलेगी गाइस को? इधर आ इधर अच्छे से देख, गाइस तो तेरे है ना, चल इधर देख, इधर देख ले देख ले देख ले गाइस के लिए देख ले देख ले देख ले देख ले। अरे देख ले यार, छोटी बच्ची हो क्या इतना गुस्सा करती हो? आपको बताता हूँ मेरा आउटफिट बनाने में मुझे कितने रुपए लगे हुए हैं। कितने लगे हैं? सो फैब्रिक मैंने लिए हैं 2250 रुपए का।
और स्टिचिंग भी है 2900 रूपए, यानी टोटल हुआ 5150 रूपए। सस्ते में ही हो गया है, इतना तो पैर मिलता ही है पायल। अब मैं आपको बताती हूँ। सो फैब्रिक मैंने लिया है 4000 रूपीज का, स्टिचिंग प्राइस है 3500 रूपीज का, लेस एंड स्टोन मिला के हमने खरीदा था 2000 रूपए का। सो टोटल प्राइस है 9500। बहुत कम है, बहुत कम है। 9500 रूपए का वो आउटफिट है वो इसने पहना हुआ है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे सही बात है, मेरे पे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो पहन लेना कभी पहनने का मन हो तो। महंगा किसी का कपड़ा बना है ना, वो है पायल का, जिसमें कुछ मेहनत नहीं, सिर्फ फैब्रिक के ही पैसे लगे हुए हैं। और उनको यही आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा है। बोलिए, इतना पैसा लगा के क्या फायदा जो आउटफिट पसंद ही नहीं आ रहा। मेरे को बता तो देने दो कितने का है पहले। बता दो। इसने ना चश्मा पहन लिया क्योंकि इसको दिखता नहीं है। मजाक कर रही है बस। देखिए मैं बता रही हूँ, मेरा ब्लाउज जो था मैंने कपड़ा के नीचे पहना था, वो था 500 रूपए का। फैब्रिक लिया था ना वो है 8900 रूपए का, फिर स्टिचिंग प्राइस है 2500। मतलब स्टिचिंग प्राइस मेरा कम है, फिर भी मेरा ज्यादा रूपए का हो रहा है क्योंकि फैब्रिक ज्यादा महंगा है ना। हाँ मतलब वो ही बोल रही हूँ। और थोड़ा सा लेस जो आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे, मेरे कपड़े के नीचे दिख रहा होगा, वो 100 रूपए का है। मतलब टोटल पायल का आउटफिट बना है 12000 रूपए का। बहुत ही कम है, 12000 रूपए का पायल। 12000 में डिजाइनर आउटफिट आ जाता है। मुझे थोड़ी पता था कि इतने का बन जाएगा। मुझे एक काम करना चाहिए था, फैब्रिक जो है वो सस्ता लेना चाहिए था, है ना। मुझे पता नहीं था। फाइनली हमने अपना आउटफिट जो है वो आपको पूरा का पूरा जो है वो दिखा दिया है। प्लीज कमेंट करके बताना कि किसका आउटफिट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हुआ है।